शक्ति फार्म के निर्मल नगर रोड पर दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज संजीव कुमार यादव ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले निर्देश के अनुसार पुलिस जगह जगह जाकर चेकिंग अभियान चला रही है। जिनके पास हेलमेट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनका चालान किया जा रहा है। साथ ही चौकी इंचार्ज ने कहा कि जब भी लोग घर से निकलें तो यह अवश्य सुनिश्चित करें कि बाइक पर हेलमेट पहनकर जाएं ताकि सड़क दुर्घटना से उनकी जान। आपका स्वागत है टी न्यूज में, मैं आपके साथ शुभांकर रॉय। मैं इस समय निर्मल नगर रोड पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं हाईवे है निर्मल नगर रोड वाला। और शक्ति फार्म में बढ़ते हुए एक्सीडेंट का प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार धरातल में कार्य करे जा रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से चालान वगैरह किया जा रहा है लोगों का, और जिसके पास हेलमेट नहीं है हेलमेट का चालान, जिसके पास लाइसेंस नहीं है लाइसेंस का चालान यहाँ पे किया जा रहा है। धन्यवाद सर, आप लोग लगातार धरातल में कार्य कर रहे हैं और ये जो लोग हेलमेट और लाइसेंस वगैरह नहीं पहन के चल रहे हैं उन लोगों का चालान वगैरह कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो एक्सीडेंट की घटनाएं होती है उनकी रोकथाम के लिए प्रॉपरली तरीके से हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियान चलाया गया है। उस अभियान के तहत समय समय पे दिन में जगह बदल के चेकिंग की जाती है, जिसमें बिना हेलमेट बिना ड्राइविंग लाइसेंस ट्रिपल राइडिंग आदि मोटरसाइकिल वाहनों का उल्लंघन करने पर चालान किया जाता है उनका, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, ये हमारा उद्देश्य है। जो है सर, जो लोग बिना हेलमेट के घूमते हैं और जिसके पास लाइसेंस वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं रहता है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनसे यही कहना है कि वो हेलमेट पहने और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार के लिए उनके हित के लिए रहेगा। जो है हमारा उद्देश्य यही है कि लोग नियमों का पालन करेंगे तो घटनाएं भी जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, इसलिए समय पे अभियान चलाकर चेकिंग अभियान चलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।